चौटाला परिवार के करीबी दो बार के विधायक नफे सिंह राठी। पहलवानी का शौक रखने वाले नफे सिंह राठी राजनीति के दंगल में आज तक अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी देते आए हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ सड़क चलते हमलावरों ने उन्हें इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। नफे सिंह राठी की हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में इस वारदात को अंजाम दिया गया और करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। घटना के तुरंत बाद पूर्व विधायक को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात का वो मंजर कितना भयानक था, इसका अंदाजा डॉक्टर की उन बातों से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस अवस्था में नफे सिंह राठी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पिंड है जो घायल है क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का BP थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। CT स्कैन वगैरह भी किया है तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। नफे सिंह राठी हरियाणा की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करीबी माने जाते थे। पार्टी में वो एक मजबूत पकड़ रखते थे। वो एक जाट नेता थे और बहादुरगढ़ के जाटवाड़ा गांव से ताल्लुक रखते थे। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से ही वो 2 बार विधायक रहे हैं। नफे सिंह राठी ने पहली बार समता पार्टी की टिकट पर 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। वो बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नफे सिंह ऑल इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। वो पूर्व CM OP चौटाला और अभय चौटाला के विश्वसनीय माने जाते थे। INLD में फूट के बाद भी नफे सिंह ने OP चौटाला के परिवार का साथ नहीं छोड़ा। दुष्यंत चौटाला के पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के बाद भी वो विरोधी रहे हैं और उनकी काफी आलोचना भी की गई थी। नफे सिंह हाल के दिनों में पार्टी की परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। वो पार्टी में काफी सक्रिय रहते थे। कहा जाता है कि वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे और अक्सर कार्यकर्ताओं के साथ देखे जाते थे। नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या के मामले पर झज्जर के DSP शमशेर सिंह ने कहा है कि हर तरह से CCTV कैमरे की मदद से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और संदिग्ध गाड़ी की भी जांच की जा रही है। हमने जो FIR है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई है जिसमें 2 DSPO की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी? अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। CCTV जिसका आपने जिक्र किया है, उस हर प्रकार के जो CCTV कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेज है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे? आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है और जांच उपरांत जो भी आएगा बताया जाएगा। जो कुछ हुआ है गलत हुआ हमारे परिवार के साथ और इसमें मैं तो ये कहूँगा इट्स ए टोटली पॉलिटिकल मर्डर। अगर एक पॉलिटिकल आदमी आपके पास बार बार गुहार लगाता है सरकार के पास कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए और सुरक्षा नहीं दी जाती और उसके बाद ये ऐसे ऐसे हमले हो जाते हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है।
और कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरा हमला भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि चार आदमियों को गोली लगी थी जिसमें दो मेरे चाचा जी और जयकिशन जी डेथ हो गई है उनकी, और दो आदमियों को जो गोली लगी हुई है उनके एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन अभी होगा। ये ठीक नहीं है, समाज में कटुता आती है आपस में, ये इन्होंने ठीक नहीं किया बीजेपी वालों ने। इस तरह एफआईआर में नाम लिए गए हैं, देखिए एफआईआर में जिस जिसके ऊपर हमारे को शक था, जो जिसका मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था परिवार को कि इनका हाथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी भी एंगल पे, वो हमने उनको लिख के दे दिया एप्लीकेशन। और जो मौके का मौके पे जो वारदात हुई थी, जो हमें बताई गई, वो सारी पुलिस के संज्ञान में, पुलिस उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम के लिए क्या? सर पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कराएंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।